नमस्कार, आज का विषय है तिहाई। इस वीडियो में तिहाई की परिभाषा, तिहाई के प्रकार तथा तिहाई को कैसे लिपिबद्ध करेंगे इस पर डिस्कस किया जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि तिहाई क्या है। तिहाई किसे कहते हैं? तिहाई संगीत की सभी विधाओं में, चाहे गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों विधाओं में तिहाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो तिहाई किसे कहते हैं? देखिए कि जब छोटे से छोटे बोल समूह को, जब हम गा के या बजा के या नृत्य के माध्यम से संगीत, तो वो सम पे आते हैं, सम दर्शाते हैं, तो तिहाई कहलाता है। ठीक है, छोटे से छोटे बोल समूह को जब हम तीन बार बजा के सम पे आते हैं, एक ही जैसे जो बोल समूह है वो हमारा एक ही जैसा तीन बार जब बजाते हैं, बजा के सम पे आते हैं, तो वो तिहाई कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार तिहाई की परिभाषाएं दी गई हैं, जो इस प्रकार है, वो तिहाई के बारे में क्या कहते हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पंडित विजय शंकर मिश्र जी के अनुसार देखते हैं वो तिहाई के बारे में क्या कहते हैं। तो पंडित विजय शंकर मिश्र जी कहते हैं, जब किसी छोटे से छोटे बोल समूह को पूरा पूरा तीन बार गाया, बजाया या नृत्य किया जाता है, तो उसे तिहाई कहते हैं। यह परिभाषा पंडित विजय शंकर मिश्र जी के अनुसार है और उन्होंने अपनी पुस्तक तबला पुराण में वर्णित किए हैं। दूसरे विद्वान के मतानुसार हम देखते हैं, जो पंडित गिरीशन श्रीवास्तव जी के अनुसार है, वो तिहाई के बारे में क्या कहते हैं? किसी भी बोल समूह को एक ही ढंग से बिना किसी परिवर्तन के कि तीन बार प्रयोग करते हुए उसके अंतिम बोल को सम पर या किसी निश्चित स्थान पर आना तिहाई कहलाता है। यह परिभाषा पंडित गिरीशन श्रीवास्तव अपनी पुस्तक ताल परिचय एवं तालकोश में वर्णन किए हैं। यह परिभाषा आप लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तिहाई को दक्षिणी भारतीय संगीत में क्या कहा गया है? ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत में तिहाई को क्या कहा गया है, या चक्रधर सिंह जी महाराज द्वारा जो है कि तिहाई को क्या कहते हैं। तो दक्षिणी भारतीय संगीत में, दक्षिणी भारतीय संगीत में तिहाई को क्या कहा जाता है? तिहाई को तीर मानम कहा जाता है। यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, केवीएस, नवोदय, डीजीटी, पीजीटी, सभी एग्जामों में जो है कि पूछा जाता है। और दूसरा जो मिलता है, महाराजा चक्रधर सिंह जी तिहाई को किस नाम से क्या नाम दिए हैं? तो उन्होंने जो है कि तिहाई को त्रिवाचा कही है, यह जो है कि इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि यह सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं कि तिहाई के प्रकारों की हम बात कर लें।
ये तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तिहाई की प्रकार की बात कर लें तो तिहाई के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। तिहाई के प्रकार बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, जैसे पहला जो है दमदार तिहाई, दूसरा जो है बेदम, बेदम तिहाई, तीसरा जो है नौहक्का तिहाई, चौथा चक्रदार तिहाई। इत्यादि आते हैं तिहाई के प्रकारों में। तो जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इन चारों को ही पूछा जाता है, दमदार तिहाई, बेदम तिहाई, नौहक्का और चक्रदार तिहाई के बारे में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले दमदार तिहाई के बारे में बात करेंगे, कि दमदार तिहाई क्या है, उसे हम कैसे लिखेंगे और किस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दमदार तिहाई से पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो होगा दमदार तिहाई, दमदार दमदार तिहाई, ठीक है। कि दमदार तिहाई कैसे लिखेंगे, कैसे हम किसी भी ताल में दमदार तिहाई को किस प्रकार लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, वो कितने वर्ण का होगा और कितने मात्रे का धा होगा, उसे हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दमदार क्या है। दमदार का मतलब होता है दम देना, दम मतलब होता है विश्रांति या रुकना। तो देखिए दमदार तिहाई किसी भी पल्ले की बात, पहले पल्ले के बाद जो हम दम देते हैं या किसी भी तिहाई में हम विश्राम जब करते हैं, रुकते हैं, तो हमारा तिहाई तीन पल्ले का होता है, पहले पल्ले और दूसरे पल्ले में हम दम देते हैं और लास्ट में हम सम दर्शाते हैं, ठीक है। तो दमदार तिहाई का मतलब होता है कि किसी भी तिहाई में जब हम विश्राम देते हैं या दम देते हैं, दम देते हुए हम तीनों चक्र को पूरा करते हैं और सम पे आते हैं, तो हमारा जो है कि दमदार तिहाई कहलाता है। जैसे उसका एक सूत्र है कि दमदार तिहाई कैसे निकालेंगे। दमदार तिहाई के सूत्र जो है, किसी भी ताल की कुल मात्रा, किसी भी ताल की कुल मात्रा प्लस 1/3। हम तीन ये क्यों करते हैं, क्योंकि तीन तिहाई मतलब तीन पल्ले, तिहाई में जो होते हैं वो तीन पल्ले होते हैं, तो इसलिए हम ताल की कुल मात्रा प्लस 1 से 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद जो निकलता है, और ये 1 क्या है, 1 हम जोड़ते हैं धा के लिए, ठीक है। तो धा को इंडिकेट करने के लिए हम प्रत्येक ताल में, चाहे कोई भी ताल हो, उसके लास्ट में हम एक जोड़ देते हैं कि जो हमारा लास्ट का सम होता है वो आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमें त्रिताल में दमदार तिहाई लिखना है या निकालना है। क्वेश्चन है त्रिताल में दमदार तिहाई, ठीक है, दमदार तिहाई अगर लिखने के लिए आता है, तो सबसे पहले हमें तो ये निकालना पड़ेगा कि कितने मात्रे का गोल है, कितने मात्रे का दम है। तो हमने फार्मूला बताया है दमदार तिहाई के लिए, किसी भी ताल की कुल मात्रा प्लस 1/3। तो त्रिताल की कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है त्रिताल में, तो 60 प्लस 1 अपान
थ्री इज इक्वल टू, अब देखिए 16 प्लस 1 हम ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 अपॉन 3। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए इसको भाग देना है आपको, उत्तर सही बटे में नहीं करना है, नहीं तो हम सही बटे में भी कर सकते हैं, 3 बचे 15, 2 17 और 3। अब देखिए इसमें जो ये हमारा होता है ये शेषफल, अब देखिए यहां पे अगर हम भाग दे देते हैं 17 भागे 3, ठीक है, तो 3 से 5, 3 बचे 15, 15 और 2 शेष बचा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2 शेष बचा हुआ है और यहां पे 5 भागफल गया हुआ है, ठीक है। तो अब जो 5 भागफल है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये 5 भागफल है, 5 भागफल में 4 बोल लेंगे, 4 बोल और एक मात्रे का धा, एक धा होगा, और ये जो 2 है, जो 2 शेष बचा है इसमें से प्रत्येक पल्ले में आधे आधे का हम दम देंगे, 2 है तो आधा का मतलब 1, तो एक मात्रे का दम होगा एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में हम जो है कि एक मात्रे का दम देंगे। तो इसी को जब हम हूबहू 2 बार लिखेंगे और फिर इसके बाद हम एक पल्ला हम 4 1 5 इसको करेंगे तो हमारा त्रिताल में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 मात्रे का बोल, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी ताल में बड़े बड़े केवल तिहाई लिखने की बात होती है तो आप किसी भी बोल समूह को ले सकते हैं, अगर वहां पे बोल समूह नहीं दिया गया है तो, अगर बोल समूह दिया गया है तो आप उन्हीं बोल समूह को लेकर आप तिहाई को निर्मित करेंगे, नहीं तो हम कोई भी बोल ले सकते हैं। जैसे अब हमारे पास बोल समूह यहाँ पे नहीं है तो हम 4 बोल और एक धा लेंगे, एक अवग्रह, क्योंकि 2 शेष यहाँ पे बचा हुआ है, 5 भागफल का मतलब है 4 बोल और एक धा लेंगे, और 2 का मतलब है क्या कि प्रत्येक पल्ले में पहले और दूसरे, जब दम की बात होती तो पहले पल्ले और दूसरे पल्ले में ही दम दिया जाता है, तीसरे पल्ले में दम नहीं दिया जाता है, तो पहले पल्ले में एक दम देंगे और दूसरे पल्ले में एक दम देंगे, बराबर मात्रे में हम दम देंगे। तो आइए देखते हैं कि 4 बोल है और एक धा है, ठीक है, तो 4 बोल हम लेंगे, कोई भी बोल ले लीजिए, मान लीजिए तेते कत गदी गन, ये हमने 4 बोल ले लिए, ठीक है, 4 बोल ले लिया, 4 बोल हो गए। अब एक मात्रे का धा, धा, अब यहां पे आप लोग के मन में शंका होगा कि हमने यहां पे अवग्रह क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हमने तेते कत गदी गन दो दो वर्णों को लेके, दो वर्णों को एक वर्ण हमने किया है, तो इसलिए हमने यहां धा के साथ एक अवग्रह लगा दिया कि ये भी दो वर्ण का हो। तो अब देखिए एक मात्रे का ध्या, एक एक मात्रे का अवग्रह भी दे दीजिए, तो यहां पे भी हम जो है कि दो अवग्रह लगा सकते हैं, क्योंकि हर मात्रे में दो 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 वर्णों को मिला के हम एक वर्ण किए हैं, तो प्रत्येक मात्रे में जो है कि हम दो कर सकते हैं, यहाँ अपनी सुविधा अनुसार जो है कि ये एक अवग्रह भी लिख सकते हैं और धा को भी सिंह छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, और यहाँ पे जो है कि दो अवग्रह या एक अवग्रह भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम दो दो वर्णों को मिला के एक वर्ण बना हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रत्येक मात्रा के आगे हमने यहाँ धा के आगे एक अवग्रह और एक मात्रे का हमने जो है यहाँ पे अवग्रह कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब तिहाई का 3 पल्ला होता है, ये हमारा एक पल्ला है, ठीक है, अब इसी को हम एक बार और लिखेंगे, दो बार और लिखेंगे, तेते कत गदी गन धा आ, ठीक है। अब देखिए तिहाई में 3 पल्ले होते हैं, लास्ट पल्ले में हमने आप लोगों को बताया कि अब देखिए एक मात्रे का ये दम, एक मात्रे का ये दम हमारा खत्म हो गया, दो मात्रे का दम खत्म हो गया, तो लास्ट पल्ले में हमारा दम नहीं लगता है, किसी भी ताल की तिहाई में लास्ट आखिरी पल्ले में हम दम नहीं देते हैं, ऑलरेडी वो हमारा आखिरी जो मात्रा जो धा होगा वो सम पे आता है, तो आखिरी पल्ला हमारा ये हो जाएगा तेते कत गदी गन, ठीक है। अब देखिए अब हम तालिकाएं लगा लेते हैं, क्योंकि त्रिताल हमारा 16 मात्रे की होती है, 4 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं, तो 1, 5 और 13वीं मात्रे पे ताली और 9वीं मात्रे पे खाली दर्शाया गया है, तो
तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। तो पहली मात्रा पे सम, फिर पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली, और नौवीं मात्रा पे खाली, और तेरहवीं मात्रा पे जो है तीसरी ताली, और आखिरी मात्रा हमारा सम, ठीक है। अब आइए, अब चलिए, ये तो लिखना हो गया त्रिताल में, अब इसे हम बोलेंगे कैसे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, लिखना और बोलना दोनों आपको आना चाहिए। तो देखिए, धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा ते ते, क त ग दी ग न धा, ते ते क त ग दी ग न धा, ते ते क त ग दी ग न धा। ये देखिए, धा आखिरी हमने आपको बोल के भी बता दिया, पढ़ंत के माध्यम से भी बता दिया, और लिख के भी बता दिया कि किस तरीके से आप तिहाई को लिखेंगे। तो किसी भी ताल में आप इस फार्मूले के माध्यम से आसानी के साथ दमदार तिहाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा तिहाई, बेदम तिहाई, बेदम तिहाई के ऊपर होगा। अगर कोई तिहाई से संबंधित क्वेश्चन है तो आप सभी टेक्स्ट के माध्यम, कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।